गाइस, वेलकम टू कुक्स विद विशेता। आज की रेसिपी है बटर पनीर मसाला। तो चलिए उसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इसमें हम 3 चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। अब तेल गर्म हो गया है, अब इसमें हम कुछ लहसुन की कलियां डाल देंगे, 20 से 25 काजू है, क्योंकि मेरे पनीर की क्वांटिटी अधिक है। इसमें हम लाल मिर्च डाल देंगे, इसमें हम प्याज काट के रखे हैं, मीडियम साइज के 5 प्याज है जो हमने काट के रख लिया है। इसको हम पिंक होने तक थोड़ा सा भूनेंगे, तब इसमें हम टमाटर जो काट के रखे हैं वो डालेंगे। अब आप देख सकते हैं प्याज भून चुका है, अब इसमें हम जो टमाटर काट के रखे हैं वो डाल दे रहे हैं। टमाटर हमने 7 लिया है, आप चाहें तो इसमें प्याज नहीं भी डाल सकते हैं। अभी अच्छे से फ्राई हो गया है, अब इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, फिर मिक्सर में ग्राइंड करेंगे। अब इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं, ठंडा हो चुका है। अब मसाले तैयार हो गए हैं, अब चलिए थोड़ा हल्का हल्का हम ये पनीर को फ्राई कर लेते हैं। पनीर को बिल्कुल हल्का फ्राई करना है, आप चाहे तो इसमें कच्चा पनीर भी डाल सकते हैं। पनीर फ्राई हो रहा है, तब तक हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। इसमें हम घी डाले हैं, 4 चम्मच के करीब हमें घी डालना है। चुका है, अब इसमें हम इलायची डाल देंगे, हम इलायची 6 लिए हैं। अब इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च और गरम मसाले को डालेंगे। और 1 चम्मच हल्दी पाउडर है, अब जो प्यूरी हमने बनाया है उसको डाल लेते हैं। इसे मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट तक भूनना है, और इसे हम ढककर थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। अब इसमें हम कसूरी मेथी डालेंगे, और हाँ इसे मीडियम फ्लेम पे ही बनाना चाहिए। अब इसमें हम बटर डालेंगे करीब ये 4 चम्मच और 4 से 5 चम्मच के करीब है। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, अब इसमें हम फ्रेश क्रीम डालेंगे करीब 4 चम्मच करीब है। आप चाहें तो घर का भी क्रीम डाल सकते हैं। अब जो हम पनीर फ्राई करके रखे थे, हल्का फ्राई किए हैं, वो इसमें डाल देंगे। अब आप देख सकते हैं, अब इसमें हम पानी को गरम कर लिए हैं, वो पानी डाल रहे हैं। अब इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए ढक करके रखेंगे। अब आप देख सकते हैं
पनीर बिल्कुल रेडी हो चुका है। हमारा पनीर तैयार हो गया है। चलिए अब इसे हम धनिया से गार्निश कर लेते हैं। अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करें। एक बार आप इसे जरूर ट्राई करें।